कहा जाता है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। दहशतगर्दों को पनाह देने वाला पाकिस्तान आज खुद इसी दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासिर है। शनिवार सुबह भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने पाकिस्तानी पंजाब सूबे में पाकिस्तान एयरफोर्स के मियांवाली एयरबेस पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान आतंकियों ने एयरबेस पर खड़े 3 लड़ाकू विमानों को भी आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक जिहाद पाकिस्तान यानी TJP ने ली है। तहरीक जिहाद पाकिस्तान एक नई उभर रही दहशतगर्द तंजीम है जिसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। कुछ माह पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य के मुस्लिम बाग इलाके में आर्मी के फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी कैंप पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी इसी संगठन ने ली थी। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के चमन में हुए आतंकी हमले को अपने सिर लेने वाला दहशतगर्द संगठन यही तहरीक जिहाद था। इस आतंकी तंजीम को लेकर कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए भी नया है। हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी इस संगठन के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाई है। संगठन के प्रवक्ता और प्रमुख के जो नाम बताए गए हैं उनसे जुड़ी जानकारी भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के पास नहीं है। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि ये लोग अतीत में क्या करते थे और किस संगठन से जुड़े हुए थे। बस हमले पे हमले करते जा रहे हैं ये दहशतगर्द जिन्होंने पाकिस्तानी फौज की नाक में दम कर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक जिहाद के तर्जुमान का नाम मुल्ला मोहम्मद कासिम बताया जाता है। कासिम अभी तक ना तो मीडिया के सामने आया है और ना ही किसी से बात की है। इस दहशतगर्द तंजीम की ओर से जब हमले किए जाते हैं तो कासिम गायबाना तौर पर लिखित में पैगाम भेजकर जिम्मेदारी लेता है। मियांवाली एयरबेस समेत कुछ हमलों की इस संगठन ने जिम्मेदारी ली है। इन हमलों में खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले में हुआ आतंकवादी हमला भी शामिल है जिसमें कुल 17 लोग मारे गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि संगठन के पाकिस्तान में प्रतिबंधित संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फिर अलकायदा से संबंध हो सकते हैं। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इसका मुखिया कहाँ रहता है और वो पहले क्या करता था, इस तरह की जानकारी किसी के पास नहीं है। तहरीक जिहाद संगठन पाकिस्तान में घात लगाकर हमले करने में माहिर है। एयरबेस पर हमले के अलावा आतंकियों ने बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया जिसमें कम से कम 14 सैनिक मारे गए। बलूचिस्तान में हुए इस हमले को इस साल का अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जा रहा है क्योंकि इस हमले में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा फौजी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक आतंकियों ने यह हमला ऐसे वक्त में किया जब 2 गाड़ियों में सवार होकर जवान पसनी से ग्वादर जिले के ओरमारा इलाके में जा रहे थे। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी करनी की सजा भुगत रहा है। दरअसल वहां पर खुफिया एजेंसियां पहले खुद इस तरह की इंतहा पसंद तंजीमों को पालती हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब ये संगठन खालिस इस्लामी हुकूमत का ख्वाब देखते हुए उनके सिर पर ही सवार हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें एजेंसियां दहशतगर्द करार दे देती हैं।